अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस्लाम का और मुसलमानों का सबसे पाकीज़ा और मुकद्दस मरकज मक्का मुकर्रमा है। इसलिए हर मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी में एक न एक दिन वहाँ जाने का तमन्ना रखता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह वहाँ जाने वाला एक बुरा शख्स के साथ एक ऐसा मुआजजा हुआ जिसको देखने और सुनने के बाद पूरी दुनिया अल्लाह की कुदरत में गौर करने पर मजबूर हो गयी। दोस्तों, वीडियो में दिखने वाला एक बुरा शख्स है जो मक्का मुकर्रमा हज के लिए किसी मुल्क से पहुँचा था। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि काफी साल पहले इसकी आँखों की रोशनी जा चुकी थी, उसके बावजूद मक्का मुकर्रमा जाने का और हज बैतुल्लाह के लिए दिल में तड़प रखता था कि मैं एक दिन मक्का मुकर्रमा जाऊंगा और बैतुल्लाह का तवाफ करूंगा। दोस्तों, जब ये ज़ईफ़ आदमी बैतुल्लाह पहुंचकर बैतुल्लाह का तवाफ करता है और उसके बाद जो ही अल्लाह से आंखों की रोशनी तलब करता है, फौरन उसकी रोशनी लौट आती है। उसके बाद उस बूढ़े की खुशी की इंतहा नहीं रहती और चीख चीख कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, जो की वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आखिरी गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।